Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. आज का हम श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद का पांचवा अध्याय श्लोका क्रमांक 25 पे आज हम लोग ओम अज्ञान तिमिरांधस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज प्रेम्स का गौर प्रभु का कीर्तन, कल गौर पूर्णिमा है, तो आज इतना मतलब क्योंकि वो बहुत ही करीब रहते हैं मायापुर से, तो वो पूरा शक्ति उनके कीर्तन में नजर आ रहा था। मतलब भगवान का कल आविर्भाव होने वाला है और इतना उन्होंने सुंदर आज कीर्तन किया। रोज होता है सुंदर, लेकिन आज और भी उसमें ज्यादा शक्ति दिख रही थी। तो श्लोका पढ़ते हैं। सावा एतस्य संदृष्टु शक्ति सद असत आत्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभु। तात्पर्य और अनुवाद ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का प्रभुपाद की जय। द लॉर्ड इज द सीयर एंड द एक्सटर्नल एनर्जी विच इज सीन वर्क्स एज बोथ कॉज एंड इफेक्ट इन द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। ओ ग्रेटली फॉर्चुनेट विदुरा, दिस एक्सटर्नल एनर्जी इज नोन एज माया और इल्यूजन एंड थ्रू हर एजेंसी ओनली इज द एंटायर मटेरियल मैनिफेस्टेशन मेड पॉसिबल। पर्पट द मटेरियल नेचर नोन एज माया इज बोथ द मटेरियल एंड एफिशियंट कॉज ऑफ द कॉस्मोस, बट इन द बैकग्राउंड द लॉर्ड इज द कॉन्शियसनेस फॉर ऑल एक्टिविटीज। एज इन द इंडिविजुअल बॉडी द कॉन्शियसनेस इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ द बॉडी, so the supreme consciousness of the lord is the source of all energies in the material nature. This is confirmed in bhagavad gita 9.10 as follows: maya dekshena prakriti suryatyasya characharam hetu nanena kaunteya jagat viparivartite. Throughout all the energies of material nature there is the hand of the supreme lord as the final superintendent. Due to this supreme cause only the activities of material natures appear bland and systematic and all things regularly evolve. हरे कृष्णा। तो और एक बार सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत। और कल बहुत ही शुभ दिन है गौर पूर्णिमा, तो सब लोग सारे भक्त लोग कल की तैयारी में मतलब अपने चेतना द्वारा अपने कल की क्या कहते हैं भगवान को स्वागत करने के तैयारी में लगे हैं हर कोई भक्त, कि हम गौड़ीय वैष्णव के जो गौड़ीय वैष्णव बनने का जो हम प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए कल का दिन बहुत ही शुभ, वो हमारे लिए एक तरह से क्या कहते हैं नया साल न्यू ईयर हमारे लिए। तो उस उपलक्ष्य में आज मुझे ये संदर्भ मतलब एक मौका मिला है आज की सेवा का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी वैष्णवों का। तो ये जो
वार्तालाप या संवाद चल रहा है मैत्रेय मुनि और विदुर जी का, तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हर एक चीज जो भगवान से जुड़ी है वो हर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो हर चीज भगवान से जुड़ी है, हर एक चीज, मतलब ऐसा कोई इस दुनिया में ये नहीं है जो हम भगवान से कनेक्ट, मतलब भगवान से अभिन्न है। हर एक चीज, मतलब पूरा ये सृष्टि, मतलब भगवान खुद कहते हैं अहम एवासम एवाग्रे, मतलब मुझसे ही हर चीज अद्भुत होती है। जैसे भगवत गीता भी कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु हो। तो आज का अभी ये जो वार्तालाप जो चल रहा है माया के ऊपर, माया देवी की और ये पूरी सृष्टि, भौतिक सृष्टि, तो कभी कभी भक्त लोग सोच सकते हैं कि हम लोग माया देवी ये भौतिक सृष्टि का इतना इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, हमको तो आध्यात्मिक जगत जाना है, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में, तो हमको और उसके ऊपर क्यों ज्यादा उसके ऊपर चर्चा करना है। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है हर चीज, क्योंकि ये भगवान से ही, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये जो ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो भी क्या, भगवान बोल रहे ये मेरी ही शक्ति है, ऐसे नहीं कि कोई किसी और की शक्ति है, ये भी भगवान की शक्ति है। तो अगर भगवान की शक्ति है तो उसके बारे में जानना भी बहुत बहुत जरूरी है, और जब हम जानेंगे तभी हम माया देवी से बच पाएंगे। क्योंकि जो ज्यादातर जो लोग हैं जिनको पता नहीं आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत, उनको जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि वो माया के इस चंगुल में फंसे हुए हैं। उनको केवल लगता है कि मेरे अच्छे दिन और मेरे बुरे दिन, और मैं अच्छा इंसान हूँ, अच्छा मानव हूँ और मेरे साथ बुरा हो रहा है, ऐसे सारे उनकी धारणाएं होती है। लेकिन जो शास्त्र का जिनको ज्ञान होता है, जो भगवान की कृपा से एक प्रामाणिक साधु या वैष्णव के जब संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसको पूरा चीजें पता चलने लगती है कि वो है कौन, कहाँ था या कहाँ थी, कहाँ से आए और कहाँ पे आके फंस गए, आने का कारण क्या था। हाँ, भगवान ने ऐसा नहीं कि धक्का मार के हमको भेजा, उसका भी कारण हम खुद ही है। जैसे भगवद गीता में कहा जाता है इच्छा और द्वेष, जब हम आध्यात्मिक जगत में थे बहुत ही दुर्भाग्यवश हमें इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान ही क्यों स्वामी, मैं क्यों नहीं, और फिर इतना ही नहीं यहाँ तक तो ठीक था चलो, लेकिन द्वेष, हमने किसके प्रति द्वेष किया, हम अपने सबसे जो हमारे शुभ चिंतक है, सबसे ज्यादा शुभ चिंतक हमारे जो पिता, हमारे स्वामी, जो भी कुछ जिस स्वरूप में हम उनको देखना चाहते हैं, हमारे स्वामी या फिर हमारे इवन कह सकते हैं हमारे प्रेमी, वृंदावन में गोपियां भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं, यशोदा माँ उनको अपना एकदम जिगर का टुकड़ा, मतलब बिना कृष्ण के नंद महाराज और यशोदा का मतलब जीवन आगे नहीं जाएगा, इतना उनसे प्रेम करते हैं। और उसी तरह सखा, जो उनकी गोप सखा, भगवान को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र मानते हैं। तो इच्छा, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमने द्वेष किया, तो जैसे ही हमने ये द्वेष किया तो हम क्या हुए, हम लोग डिजीज्ड कंडीशन, मतलब हम में वो एक ऐसा रोग हमने हमारे अंदर उत्पन्न किया जिसका निवारण करने के लिए हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं रहे, और उसके कारण भगवान को ना चाहते हुए भी ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करना पड़ा। और भगवान इतने दयालु है, उन्होंने ऐसा नहीं कि एक ऐसा सृष्टि का निर्माण किया कि जाके हम यहाँ पे आके पूरी तरह पीड़ित हो, नहीं, उन्होंने ऐसी तरह से सृष्टि का निर्माण किया कि हर एक जो हमारे दिनचर्या में या हमारे जीवन को पर्याप्त करने के लिए जो कुछ चाहिए उसका सारा बंदोबस्त भी किया, उसका सारा आयोजन किया। मतलब इतना भगवान दयालु है, उनने ऐसा नहीं किया कि चलो तुम मुझसे द्वेष करते हो, मैं तुमको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं, इतना सुंदर उन्होंने ये सृष्टि निर्माण किया। अभी चक्कर यही है कि इतना सुंदर है
कि हम लोग मूर्खता पूरी तरह से भगवान को न केंद्रित रखते हुए इस पूरे भौतिक सृष्टि के प्रति आसक्त हो चुके हैं, और ये और बड़ा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए भगवान खुद आते हैं, बार बार खुद आते हैं और अपने पार्षदों को भी भेजते रहते हैं। और बीच बीच में ये जो पीड़ाएं हमारे जीवन में आती है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये सारे जो पीड़ाएं आते हैं, ये भी एक तरह से भगवान का अनुग्रह है हम जीवों के प्रति, कि एक बार जब ऐसे पीड़ा आए और हम लोग फिर सोचने लगे कि आखिर ये पीड़ाएं हमको क्यों सताती है, इतना मतलब हमको दुख क्यों देती है। और जब ऐसे प्रश्न हम प्रामाणिकता से जब अपने आपसे पूछते हैं और फिर शास्त्र का जब हम सहारा लेते हैं, तब कहीं तो कहीं हमें वो एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैंने यहाँ पे आके गलती की है। तो कोई ऐसा जगत है क्या, मतलब जहाँ पे निरंतर सुख है, निरंतर आनंद है और निरंतर शाश्वत शाश्वत है, ऐसा कोई है क्या जगह? तो ऐसे जब हम प्रश्न पूछते हैं ऐसे पीड़ाएं आने के बाद, तब एक्चुअली हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये माया देवी भी जो है भगवान की ही शक्ति है। जैसे दो माँ है, एक है अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, वो हमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, मतलब ज्यादा प्रेम भी दो तो बिगड़ जाते हैं, राइट? कभी कभी होता है ना, माँ कहती है चलो तुमको खेलने जाना है, चलो खेल के आओ, और एक टाइमिंग देती है, अभी तुम 5 बजे गए हो, 6 बजे तक तुमको घर वापस आना है और तुम्हारा होमवर्क करना है, प्रेम से भेजती है माँ। लेकिन वो लड़का या वो बच्चा क्या करता है, खेलते खेलते उसको इतना उस खेल में मग्न हो जाता है, वो बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, मैं और खेलूंगा और खेलूंगा, और माँ बुलाती है आजा, होमवर्क भी करना है, जल्दी सोना है, कल एग्जाम है। वो बच्चा बोलते है नहीं 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 मुझे और खेलना है। तो अभी क्या हुआ, प्रेम से तो भेजा था, लेकिन वही माँ को और एक रूप लेना पड़ता है उसको, फिर वो छड़ी लेके उस बेट सबके सामने उसको, मतलब वो प्यार से बुलाया उसने, मौका दिया, लेकिन वो अभी नहीं मान रहे, तो फिर छड़ी से उसको, छड़ी देख के भी वो नहीं मानता, तो दो तीन छड़ी उसके ऊपर मारने भी पड़ती है, और फिर उसको पकड़ के लाना पड़ता है घर। तो वो जो है, जो दूसरा जो रूप जो माँ का हमने देखा, वो है दुर्गा माता, जो अपने हाथ में त्रिशूल लेके त्रिताप जो हमको इस दुनिया में देते। एक्चुअली ऐसा नहीं कि उनको आनंद आता है जीवों को, क्योंकि वो भी भगवान की भक्त है, वो भी वैष्णवी है, लेकिन भगवान ने उनको वो कार्य दिया हुआ है, जो बिगड़े हुए बच्चे है उनको सुधारने का उनको कार्य दिया हुआ है, और बच्चे इतने बिगड़े हुए है कि प्यार से 1 घंटा जो खेलने भेजा जाता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आगे चल के एग्जाम भी देना है, होमवर्क भी करना है, तो माँ बच्चे का भला ही सोच रही है। तो जब हमको त्रिताप मिलता है दुर्गा माता से, माया देवी का और एक नाम मतलब माया दुर्ग दुर्गा, और ये पूरा भौतिक जगत जैसे प्रभुपाद कहते हैं एक पोर्ट, या मतलब एक भगवान के जो पूरे सृष्टि में ये जो भौतिक जो संसार है वो एक जेल की तरह है, जेल की तरह, जहाँ पे जो कैदियां होते हैं, या जो मतलब अभी हम लोग जैसे जानते हैं कि भौतिक जगत में जैसे इवन अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो एक सरकार है, तो सरकार ने हर चीज बनाई है, हॉस्पिटल बनाए है, दवा खाना बनाया है, हॉस्पिटल, फिर विद्यालय बनाए हुए है, गार्डन पार्क सब बनाया है, उसके साथ जेल भी बनाया है। अभी ऐसा नहीं कि उन्होंने ये सोच के बनाया जेल कि हर किसी को जेल में डालूंगा, नहीं, उन्होंने जेल क्यों बनाया है, ये एक योजना बना के रखी है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई नागरिक जो सरकार का दिया हुआ जो नियम है उस नियम का उल्लंघन करेगा, या कुछ इस और नागरिकों के लिए अगर कोई व्यक्ति खतरा दायक है, तो उसको फिर पकड़ के जेल में डालते हैं, राइट? तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है, भगवान ने जो आध्यात्मिक जगत में रहने के कोई योग्य नहीं, उसको फिर पकड़ के इस जेल में डाला जाता है, जो है भौतिक जगत। और प्रभुपाद बहुत टाइम समझाते भी है कि अगर हर चीज भगवान से अगर
उत्पत्ति हो रहे, अगर हम जैसे जानते हैं भगवान तो पूर्ण तरह से आध्यात्मिक है, भगवान का हर अंग उसमें ऐसा नहीं कि उनका जो शरीर है भौतिक है आत्मा पर, भगवान पूर्ण तरह से आध्यात्मिक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके द्वारा उत्पत्त चीज भौतिक हो सकती है, राइट? हाउ कैन फ्रॉम स्पिरिचुअल एंटिटी कुछ मटेरियल कैसे उत्पत्ति हो सकती है? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो भौतिक जगत को हम मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे अंदर एक जो भगवान को विमुख करके खुद को स्वामी सोच के यहाँ पे जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण ये जो भगवान का ही सृष्टि है भौतिक जगत को, मतलब हम लोग भौतिक जगत कहते हैं ओनली बिकॉज ऑफ अवर अपना जो ये चेतना है कि मैं स्वामी हूं, ये मेरा है, मैं भोगी, अहम भोगी, बलवान सुखी, ये जो चेतना जब आ जाती है उसके कारण भले ही भगवान ने ही उत्पत्ति की हुई है जगह, वो हम लोगों को इट बिकम्स मटेरियल ओनली बिकॉज ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना की वजह से, अदरवाइज भगवान से हर चीज जो उत्पत्ति होती है वो आध्यात्मिक ही है, लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो चेतना है अभी क्या कहते हैं दूषित हो गया है, भव रोग से अभी भव रोग आ गया है, उसके कारण वो डिफरेंशिएट हो जाता है कि स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, ये प्रभुपाद हमको अच्छी तरह से समझाते हैं। और वही अगर सारे जितने भी जीव यहाँ पे है अगर वापस उनकी चेतना कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं और हर कोई भगवान को केंद्रित रख के अपना कार्य करने लगे, भगवान को अपना जो भी स्वामी माने, सका माने, प्रेमी माने या अपना बेटा माने, इस तरह से अगर हर कोई कार्य करने लगा तो फिर ये जो भौतिक जगत जिसको हम लोग कहते हैं वो ऑटोमेटिकली बिना और कुछ किए वो आध्यात्मिक हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब कृष्णा से हर चीज आध्यात्मिक ही है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा जो चेतना है क्या कहते हैं दूषित हो गया है, इसके वजह से वो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है स्पिरिचुअल एंड आध्यात्मिक। तो ये मतलब दिस इज हाउ इट इज। और माया देवी जैसे हम जानते हैं वो तो भगवान को अपना स्वामी मानती है, और जैसे भगवान खुद कहते हैं माया अध्यक्षण, भगवान के निर्देश के अनुसार वो हर एक चीज का हर एक कार्य कर रहे। माया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, मतलब इसका सृजन सहार हर कुछ जो चल रहा है भगवान के निर्देश अनुसार। माया देवी कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करती जिसमें भगवान ने सैंक्शन नहीं किया हो, जब भगवान कहते हैं वो उस कार्य को करती है। और जब भगवान अपना दृष्टिपात माया दे मतलब इस जो प्रदान जो हर चीज जो यहाँ पे मतलब अगर आपको कुछ चीज बनानी है जैसे अगर एक कुंभार का अगर उदाहरण ले, जब वो मटका बनाता है तो उसको क्या चाहिए, उसको मटका बनाने के लिए एक तो मिट्टी चाहिए और कुछ पानी चाहिए, राइट? ये उसकी सामग्री है, और फिर उस सामग्री को लेके फिर उसको निमित्त यानी उसको कुछ उस मटका बनाने के लिए उसको यंत्र भी चाहिए, राइट? फिर वो क्या करता है, वो चक्र जो व्हील है तो व्हील के ऊपर फिर वो मटका बनाता है, लेकिन वो कैसे बनता है मटका, सामग्री भी है और जो यंत्र भी है, लेकिन वो कुंभार जब वो सारे चीजें इकट्ठा लाके अपना जब कार्य करता है तब वो मटका बनता है। तो उसी तरह से ये जो सारे जो सामग्री है इस भौतिक जगत को बनाने के लिए ये भगवान की कृपा से उपलब्ध है, और उसी तरह से जब भगवान इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तब ये पूरा जो सृष्टि निर्माण होती है। तो मतलब पूरी अगर हम देखेंगे हर चीज में भगवान का हाथ है और भगवान का नियंत्रण है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ मतलब ऑटोमेटिकली या बिना भगवान के इसमें क्या कहते हैं बिना भगवान के ज्ञान के कुछ हो रहा है।
मतलब ऐसा सोचना भी मूर्खता है। मतलब हर चीज में भगवान की भगवान का हाथ है और भगवान की कृपा है और भगवान की इच्छा अनुसार ये सब हो रहा है। और जैसे कल जब गोपी मनोहर प्रभु बता रहे थे कि हम लोग जो जीव यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमने क्या किया है, हमने इस भौतिक जगत को या जगत में जो अपना जीवन है उसको प्राइमरी बना दिया है, और फिर जो अपना जो एक्चुअल मनुष्य देह का जो लक्ष्य है कृष्ण भक्ति को प्राप्ति करना या कृष्ण लोक वापस जाना, अपने घर वापस जाना, उसको सेकेंडरी बनाया है। कल बहुत अच्छी तरह से प्रभु समझा रहे थे। और हम देखते हैं कि जब कभी कभी हमको लगता है कि ये आध्यात्मिक जीवन में अगर हम उनको प्राइमरी बना देंगे, मतलब आध्यात्मिक जीवन अपना जो जीवन का मेन हेतु बनाएंगे, तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे। हमारा डे टू डे काम पे जाना, पैसा कमाना, मतलब इससे फिर हम लोग दुर्लक्ष करेंगे, ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाने आए कि मतलब जब आप कृष्ण भक्ति में आते हो तो हर चीज आपका जो है भगवान संभालते हैं। हर चीज क्या कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैलो सर्व कर्म कृत है। मतलब हमें इतना सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा, हमको श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ता, मतलब पूरी तरह कि केवल कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म, बाकी सारे जो हमारे अन्य कर्म है वो भी हम ठीक तरह से क्या मतलब और ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि जो कृष्ण भक्ति में जो मेरे गृहस्थ है, मैं चाहता हूं कि वो परम हंस कहलाए। क्या कहते थे श्रील प्रभुपाद, वो कहते थे कि मेरे जो गृहस्थ भक्त है कृष्ण भावनामृत में जो है गृहस्थ भक्त, मैं चाहता हूं उनका चरित्र परम हंस की तरह हो। और परम हंस का होना का अर्थ क्या है, मतलब जो निरंतर बिना रुकावट के हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो इसका ऐसा जो व्यक्ति है उसको परम हंस कहते थे। और प्रभुपाद कहते थे कि मेरे हर गृहस्थ जो भक्त है वो परम हंस हो, मतलब जब लोग देखे तो उनको लगे। और कहते थे कि और इनके जो जो बच्चे होंगे, मैं चाहता हूं ये उनको आचार्य बनाए, वो खुद परम हंस बने और उनके जो आगे जो बच्चे जो उनसे पैदा होंगे वो उनको आचार्य बनाए। तो ये प्रभुपाद का मतलब एक मैसेज था हर गृहस्थों के लिए, एंड दैट व्हाट इज डिजायर, इच्छा थी प्रभुपाद की। और चैतन्य चरितामृत में भी कहा जाता है कि महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रदान। एक एक लक्षण क्या है महाप्रभु के भक्तों का, हर कोई चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ में हो, कोई भी आश्रम में हो, उनका सबसे मुख्य लक्षण क्या है, वैराग्य प्रदान, जो उबर के जो दिखता है, ही इज अ रिनाउंस्ड पर्सन, वैराग्य। और कैसा वैराग्य, युक्त वैराग्य, ऐसा नहीं कि वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के नाम पे जाके मतलब आलसी, नहीं, वैराग्य प्रदान मतलब वो जानता है कि यहाँ पे हर जो चीज है केवल भगवान कृष्ण की है। मैं केवल ये जो चीजें जो भगवान ने मुझे दी है, मैं उसको भगवान की सेवा में उसको उपलब्ध उसका उसको यूज करूं। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण या सिम्टम ऑफ जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त गण है। और यहाँ देखिए, प्रीति हुए गौर भगवान, और ये जो लक्षण जब भगवान अपने भक्तों में देखते हैं, बहुत गौर, जो गौर सुंदर है, बहुत बहुत आनंदित होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि भौतिक जगत में सबसे बड़ा जो हमारे अंदर रोग है वो है आसक्ति। हर चीज हम पाना चाहते हैं, और जैसे माया, माय, मी एंड माय, तो देखा माया का नाम भी देखो, अगर देखेंगे माया, माय, एम वाई आता है, एम ए वाई, माया, तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, ये सब मेरा है। एक बार प्रभु जी कह रहे थे कि मतलब अगर आपको देखना है मतलब आसक्ति का लेवल, तो लोकल ट्रेन में आप जाइए,
मतलब एक आदमी अभी अगले स्टेशन में उसको उतरना है, लेकिन भी वो उस सीट के लिए इतना झगड़ता है, मतलब अगले स्टेशन में उसको सीट छोड़ के उतरना पड़ेगा, फिर भी वो अगला स्टेशन आने तक इतना झगड़ता है वो, नहीं ये मेरा सीट है, मैं बैठा था यहाँ से, मतलब इतनी आसक्ति होती है, मतलब एक छोटा सा सफर करते हुए एक सीट के लिए लोग इतना आसक्त हो जाते हैं, विच इज बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी समझा रहे थे। तो जो वैराग्य प्रधान, और हम लोग देख सकते हैं महाराज प्रताप रुद्र के जो भगवान का दर्शन लेना चाहते थे, इतने बड़े राजा थे वो, लेकिन वो क्या कहते, जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं ये सब राजा और जो राजनीति में होते हैं मैं उनसे सब नहीं मिल सकता, ये मेरे मुझसे नहीं होगा। तो जब महाराज प्रताप रुद्र को लगता है कि मुझे अगर महाप्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है, यदि महाप्रभु कृपा न पाई धन किब राज किब देह सब अकारण, मतलब इस तरह से महाप्रभु के भक्त भले ही वो राजा या कुछ भी क्यों ना हो, अगर भगवान का अगर उनको कृपा नहीं मिल रहा है तो उनको लगता है हर चीज व्यर्थ है। तो यह महाप्रभु का मतलब भक्तों का लक्षण। तो हम लोगों को भी इसी तरह से अपना जीवन बिताना चाहिए, और इस माया देवी से बचने का हमको हमेशा, मतलब जो हम इस सृष्टि में जो भौतिक जगत में जो आए हैं, किस तरह से हम माया देवी से बचे, क्योंकि अगर अगर हम सही में शुद्ध भक्त बनते हैं तो माया देवी भी खुद खुश हो जाती है, खुश हो जाती है और वो हमको सहायता करती है। तो जस्ट चैतन्य महाप्रभु का, प्रभु के जो एक सबसे बहुत ही खास पार्षद जो पंचतत्व में आते हैं श्रीवास ठाकुर, उनके बारे में एक संक्षेप में उनका उनका एक कथा सुना के फिर मैं विराम करता हूँ। तो जैसे हम जानते श्रीवास ठाकुर वो गृहस्थ थे, गृहस्थ। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कि श्रीवास तुम तो गृहस्थ हो और इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, तुम उसका पालन पोषण कैसे करते हो, हर दिन मैं देखता हूँ तुम मेरे साथ रहते हो, सुबह मेरे साथ कीर्तन करते हो, शाम को आप तुम्हारे घर में श्रीवास आंगन में हम लोग कीर्तन करते हैं, तो रोज तो तुम मेरे साथ रहते हो, तो मुझे बताओ तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते कैसे हो। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि कुछ कहते नहीं, वो तीन बार ताली बजाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तीन बार ताली बजाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैंने तुमसे जो सवाल पूछा तुमने तीन बार ताली बजा के इसका उत्तर दिया, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया, इसका अर्थ क्या है। तो फिर श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु पहला ताली जब मैंने बजाया इसका मतलब मैं पहले दिन उपवास करूंगा, दूसरा ताली मतलब दूसरे दिन उपवास, और तीसरा ताली मतलब तीसरे दिन, तो तीन दिन तक मैं उपवास करूंगा, और अगर चौथे दिन भी अगर जो मेरा गृहस्थ जीवन चलाने के लिए जिस चीजों का जरूरत है अगर वो नहीं मिला तो मैं जाके सीधा गंगा में कूद के अपना प्राण त्याग दूंगा। जिसको जो मेरे स्वामी है अगर वो तीन दिन तक मैं प्रतीक्षा करूंगा, अगर चौथे दिन तक भी मेरे स्वामी अगर मेरे जो परिवार पालन पोषण वही तो है भरण पोषण करने वाले, अगर वो नहीं मदद करेंगे तो मैं गंगा में कूद के जो है मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो जैसे ये सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को आलिंगन करते हैं, मतलब ये है उनका समर्पण, सरेंडर, और एक काली दिखावा नहीं है। आगे चल के हमको पता चलेगा कि श्रीवास ठाकुर का सरेंडर क्या है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि श्रीवास ऐसा हो सकता है कि कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी देवी जो है वो दरिद्र बन जाए, दरिद्र मतलब लक्ष्मी, हम जानते हैं ना हर कोई लक्ष्मी की उपासना करता है ताकि घर में संपत्ति धन आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आगे चल के लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी के जीवन में दरिद्रता आ सकती है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्रीवास ठाकुर के कहते। तो अभी हम लोग सोच सकते हैं कि श्रीवास ठाकुर को भगवान ने इतना बड़ा वचन दिया क्यों,
उस कोटि के भक्त होंगे ना, ऐसे ही किसी को नहीं। अगर हम कल जाके भगवान के सामने ताली बजाएंगे और भगवान को कहेंगे कि भगवान आज से मैं काम पे नहीं जाऊंगा, यहाँ पे बैठ के आपका नाम जप करूंगा और 3 दिन तक अगर कुछ नहीं आता हाँ तो मैं जाके प्राण त्याग दूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या है, अभी भी भौतिक रूप से है, अभी तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। तो ये लीला सुन के हमको इस तरह से इमिटेट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। तो जब श्रीवास ठाकुर के घर में हमेशा भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु एकदम अपने जो निकट पार्षदों के साथ श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, बहुत ही कम जो भगवान के एकदम घनिष्ठ और एकदम बहुत ही करीबी जो भक्त गण थे, बहुत ही शुद्ध भक्त, उनके साथ वो कीर्तन करते थे। और एक बार ऐसा हुआ, कीर्तन हो रहा था और जो श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र थे वो उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और फिर अंदर से रोने का आवाज आने लगा। जो महिलाएं थी उस घर में, श्रीवास ठाकुर के जो परिवार में महिलाएं थी वो रो रही थी। तो जैसे श्रीवास ठाकुर ने सुना, वो जल्दी जल्दी जाते हैं अगले रूम में, कमरे में जाके देखते हैं और देखते हैं कि उनके जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई। तो सोचिए, एक पिता उसका पुत्र का मृत्यु हो गया, श्रीवास ठाकुर झूम उठते हैं, खुश हो जाते हैं, क्या सौभाग्य है मेरे पुत्र का। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं और ऐसे समय पे मेरे पुत्र ने प्राण त्याग दिए। अहो भाग्यम। ऐसी तरह से वो उनका प्रफुल्लित हो जाता है उनका मन। और फिर वो अपने जितनी भी महिलाएं थे उनको कहते हैं कि अभी अगर आपके रोने की वजह से, आप लोग इतने जोर से रो रहे हैं, अगर आपके रोने की वजह से मेरे प्रभु का अगर कीर्तन में कोई रुकावट आई या उन्होंने कीर्तन रोक दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके गंगा में कूद के अपना मृत्यु, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो मैं कहता हूं कि आप सब लोग तुरंत रोना बंद करो, क्योंकि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, नृत्य कर रहे हो, उसमें मुझे कोई बाधा नहीं चाहिए। तो आप सोच सकते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने जो वचन दिया था किसको दिया है, श्रीवास ठाकुर का, जिसका इतना भगवान के प्रति समर्पण है, इतना सरेंडर है। पुत्र की मृत्यु के ऊपर भी वो आनंदित है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चलते हुए उसके पुत्र ने प्राण त्यागे। और इतना ही नहीं, वो नहीं चाहते कि उनके कीर्तन में कोई बाधाएं आए। तो ऐसा होता है एक शुद्ध भक्त के लक्षण। और फिर वो चले जाते हैं वापस जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु तो शाश्वत भगवान है। हाँ, तो वो कहते हैं कि श्रीवास, मुझे आज मेरे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो एक अशुभ घटना घटी है। वो श्रीवास ठाकुर वापस एकदम बिना उनके चेहरे पे एक ऐसा भी दिखाई नहीं देता कि कुछ तो गलत, उनका पुत्र का मृत्यु है, वो बिल्कुल नहीं लगता उनके चेहरे को देख के। और वो कहते हैं कि मेरे प्रभु, जहाँ पे आप है और जहाँ पे आप इतना भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं और इतने आपके इतने शुद्ध भक्त है, वहां पे कोई अशुभ घटना कैसे घट सकती है। नहीं प्रभु, कुछ भी अशुभ नहीं है, आप कीर्तन कीजिए। और फिर कुछ किसी वजह से फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि जो है श्रीवास ठाकुर के पुत्र का मृत्यु हो गई। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है, वो इतने श्रीवास ठाकुर को आलिंगन करते हैं कि आप जैसे ऐसे शुद्ध भक्तों का मैं संग कैसे छोड़ सकता हूँ, आपके खुद के पुत्र का मृत्यु हुआ है और फिर भी आपको उससे ज्यादा मेरे बारे में आपको चिंता है, मेरा कीर्तन भंग ना हो, मेरे कीर्तन में बाधाएं ना आए, इसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसे करके वो आलिंगन करते हुए इतना रोने लगते हैं। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का पूरा जो मिशन। और हमारा बहुत बहुत भाग्य है, सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के शिष्यों के, शुद्ध जो प्रभुपाद के शिष्य थे उनकी कृपा से हमको इस आध्यात्मिक जगत में एक एंट्री मिली है।
ऐसा मत सोचिए कि ये जो इस्कॉन या ये सारे यहाँ पे जो हो रहा है ये केवल मतलब ये भौतिक है, फिर हम लोग परफेक्ट करके जब आध्यात्मिक जगत जाएंगे तब हमारी एंट्री, नहीं, हम अभी एंटर कर चुके हैं। प्रभुपाद का पूरा जो इस्कॉन या ये जो ये पूरा जो भक्ति मार्ग इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन, इट इज एन एक्सटेंशन काउंटर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे भारत एक देश है, अगर आप अमेरिका जाओगे तो वहां पे एक इंडियन एम्बेसी है, राइट? हर एक देश में आप जाओगे, दुबई में जब या यूएई में, वहां पे भी इंडियन एम्बेसी है। दैट इंडियन एम्बेसी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कंट्री इंडिया, वो भारत का ही अभिन्न भाग है। उसी तरह से ये पूरा जो संकीर्तन आंदोलन जो यहाँ पे चल रहा है ये आध्यात्मिक जगत का अभिन्न भाग है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में जब भाग लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, ये हम लोग एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में ही है। वो केवल हमारी चेतना अभी विकसित नहीं हुई इसलिए हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं अलग है। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब हम भगवान का मतलब या इस संकीर्तन आंदोलन में हम एक्चुअल भाग लेंगे, नहीं, या एक्चुअली प्रभुपाद की कृपा से, उनकी शिष्यों की कृपा से, हमारे वरिष्ठ यहाँ जो भक्त है जैसे गोपी मनोहर प्रभु है, तारे माता जी, उनकी कृपा से हम भी इस संकीर्तन आंदोलन, वही संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का जो आध्यात्मिक जगत में नित्य चलते रहता है, उसका हम भाग है। और ये जो माया देवी का जो सृष्टि में रहते हुए भी इवन दो इन दिस प्रिजन हाउस, हम लोग भगवान की कृपा से आध्यात्मिक जगत में रहने का हमको लाभ मिल रहा है। ओनली थिंग अभी हमको एक गंभीरता से लेना है। अगर हम गंभीरता से अगर नहीं लेंगे तो ये जो मटेरियल कॉन्शियस मतलब आध्यात्मिक चेतना से जो भौतिक चेतना में जो वापस हम प्रवेश करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग तटस्थ शक्ति होने के कारण कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हमारी भक्ति अभी तक निष्ठा के स्तर पे ना पहुंचने के कारण, क्यों नहीं पहुंची है, अनर्थ, जैसे कहते ना आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति जब तक पूरी तरह से नहीं होती निष्ठा के स्तर पे हम लोग नहीं जा सकते। और जब तक हम निष्ठा के स्तर पे नहीं जाते तब तक हमारी जो भक्ति होती है वो अनिष्ठिता, अनिष्ठिता मतलब किसी दिन अच्छी तरह से सोला माला कर लिए, किसी दिन रोध हो के गिरते करते सुबह में चार, दोपहर में दो, सोते सोते और जो बचे हुए राउंड्स करते करते, और कभी कभी एकदम सुबह ही सोला माला, मतलब अनिष्ठिता, कभी सही हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, क्यों, अनर्थ निवृत्ति अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई उसके कारण। तो किसी तरह से जल्द हमको अनर्थ निवृत्ति को पार करते हुए निष्ठा, फिर आएगी रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम, मतलब बहुत, मतलब दिल्ली अभी दूर है लेकिन प्रभुपाद की कृपा से ये हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन है हर किसी के लिए है। जैसे दुखी, और एक कहानी आती है, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करके थक जाते थे तो वो देखे कि उनको सारे भक्त लोग मटके से पानी से उनका अभिषेक करते थे। भले ही स्नान है लेकिन जब भगवान के ऊपर हम जब पानी डालते हैं वो स्नान नहीं अभिषेक। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि श्रीवास ये रोज ये इतना मटका ला के रखता कौन है, मुझे गंगा में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और इतना सारे मटके ला के रखता कौन है। और तब श्रीवास ठाकुर ने कहा कि ये मेरे घर में जो जो सेवा करती है इसका नाम दुखी है, नाम दुखी है, और रोज ये मतलब बहुत ही आनंद से ये सेवा करती है, रोज गंगा तट पे जाके पानी का घड़ा भर भर के यहाँ पे ला के रखती है और इसी से आपका हम लोग अभिषेक करते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि मतलब एक इतनी अच्छा सेवा कर रहे हैं तो कहते हैं इसका नाम दुखी कैसे है, आज से इसका नाम सुखी। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उस वैष्णवी का उद्धार हो गया, कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया उन्होंने। तो देखो एक छोटा सा भी सेवा अगर आप भगवान के लिए करते हो
वो भी पूरी तरह से बिना पान प्रतिष्ठा का हेतु रखते हुए, तो आपको कृपा किस तरह से मिल जाती है। तो वो दुखी जो है सुखी बन गई। तो हम भी जो जितने यहाँ पे भौतिक जगत में दुखी है, हर कोई दुखी है विदाउट एक्सेप्शन, हर कोई, हम लोग भी सुखी बन सकते हैं, इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं, माया देवी से हम बच के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, यहाँ रहते हुए, हाँ ऐसा नहीं कि शरीर त्यागने के बाद, यहाँ रहते हुए भी हम आध्यात्मिक जगत में निरंतर रह सकते हैं इस कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद के इस संकीर्तन आंदोलन में हमेशा निरंतर भाग लेते हुए। कीर्तनीय सदा हरि, अगर हम प्रामाणिकता से हमेशा भाग लेते रहेंगे तो हम भी सुखी बन सकते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है भगवान की ही अंतर बहिरंगा शक्ति का निर्माण किया हुआ है। हम जैसे जिन्होंने भगवान से द्वेष किया, इच्छा की कि हम स्वामी बने हम लोगों के लिए, और भगवान ने बहुत ही कृपा करते हुए इस पूरे सृष्टि इस भौतिक जगत की रचना की और हर चीज का व्यवस्था करके रखा है ताकि हमको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन हमारा जो अंदर लोभ है, लोभ के कारण हम इस यहाँ पे भी पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे वजह से औरों को भी मतलब बहुत ही तकलीफ होती है। सो लेट अस मतलब केवल और केवल इस कृष्ण भावनामृत के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने से ही हमारी जो चेतना का जो है सुधारण हो सकता है, और हम जो सच्चित आनंद मतलब हितेशी औरों के हितेशी पर दुख दुखी का जो भाव हमारे अंदर रहना चाहिए वो विकसित हो सकता है। और एक जस्ट लास्ट उदाहरण देता हूँ हरिदास ठाकुर का, जब उनको 22 जगह मारा जा रहा था और जब भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा कि जो मेरे भक्त को मार रहे उनका वध करो, वो सुदर्शन चक्र बिना किसी का वध किए वापस आ जाता है और फिर भगवान उनको पूछते है तुम तो मेरे सेवक हो और मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि जो हरिदास ठाकुर को मार रहे उनका वध करो, तो तुम बिना वध करे आए कैसे? तब वो सुदर्शन चक्र भगवान को कहता है कि मेरे स्वामी आपने जो कहा ठीक है, लेकिन आप खुद कहते हो कि आपसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो आपका भक्त है, और जब आपका भक्त कह रहा है मैंने तो आपने जो कहा हुआ कार्य करने के लिए मैं निकल पड़ा था, लेकिन वहां जाते ही हरिदास ठाकुर ने मुझे कहा कि इनमें से किसी को आप मत छुइए, हर किसी को आप क्षमा कीजिए, इसके कारण मैं इनका वध नहीं कर पाया, और आप ही ने कहा है कि आपका भक्त आपसे श्रेष्ठ है, तो आपका भक्त का वचन में कैसा नहीं मान पालन करूं, इसके वजह से मैं आया। तो देखिए ये है एक वैष्णव का जीवन, उनको मारा जा रहा है लेकिन वो सुदर्शन चक्र से कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनको आप क्षमा कीजिए, इनको आप इनका वध मत कीजिए। तो दिस इज कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत होना, वैष्णव होना, ये सिद्धांत है, ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों से हम सीख सकते हैं व्हाट इट मीन्स टू बी अ वैष्णव, पर दुख दुखी पर सुख सुखी। और ये भौतिक जगत में जब हम किसी और को सुखी देखते हैं तब हम दुखी होते हैं, और जब हम खुद खुश हो जाते हैं वो हमको लगता है वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, और एक जो मतलब दोषित जो चेतना है वो केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने से, जो शिला प्रभुपाद ने हमको कहा गया है उसको पालन करने से, प्रभुपाद के दिव्य पुस्तकों का उनके तात्पर्यों का बार बार पठन नहीं स्टडी करने से शुद्ध हो सकता है, और या फिर वो शुद्ध हो के एक दिन वो एक स्तर आएगा जब हम जीवन का सर्व परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त कर पाएंगे, और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में रहने का हम आनंद प्राप्त कर पाएंगे, और माया देवी हमको छुएगी भी नहीं क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं और प्रामाणिकता से करते हैं तो माया देवी भी बहुत खुश हो जाती है, और वो भी हमको जो जो भक्ति करने के लिए जो चीजें चाहिए उसको हमको प्रदान करती जाएगी। तो ये है शिला प्रभुपाद की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा और आप सारे भक्तों की कृपा, हम सबको ये अवसर मिला हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। श्ला प्रभुपाद की जय, श्ला गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू गोपी मठ प्रभु, आपने मुझे सेवा का मौका दिया और सारे भक्तों जो इतनी अच्छी तरह से आपने श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत गोविंद चरण प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु, आपने बहुत अच्छे से मटेरियल एनर्जी का बोल। आवाज नहीं आ रहा है, सुनाई। यस प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया प्रभु रोल ऑफ द मटेरियल एनर्जी, और हमें मटेरियल एनर्जी को मतलब एक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया माता का, एक माता कैसा मतलब वो कंसर्न रहती है कि अपने बच्चा वो पढ़ाई करे, सब काम करे, सिर्फ खेलने में ना लगे, तो इसे वो दंडा लेके पीछे पड़ जाती है। ये बहुत अपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरीके से बताया प्रभु, एंड हमें मतलब आपने बहुत वो ट्रेन वाला एग्जांपल भी बहुत अच्छा दिया कि हम ट्रेन की सीट के लिए चढ़ते हैं। सो एंड कल फादर भी यही बोल रहे थे कि हमारा ड्राइविंग करना लक्ष्य नहीं, हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना हमारा लक्ष्य है। एंड तो प्रभु मैंने एक कथा में सुना था कि राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जो उनके बड़े भाई है उन्हें आई थिंक सो कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि वो चल नहीं सकते थे, लाइक आई डोंट मतलब स्पेसिफिकली नहीं मालूम, और ही वॉज ऑल्सो सीनियर डिवोटी, उनके बड़े भाई थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर। तो वैसे अपने भाई से वार्तालाप कर रहे थे तो उनके भाई जो राधा गोविंद महाराज है वो अपने भाई को पूछते हैं कि जो ऐसा कंडीशन रहता है जीवों को जिन कभी को वो चल नहीं पाते, नहीं तो ऐसे ऐसे बहुत खराब स्थितियों में क्या ये क्या समझना चाहिए। भगवान ने हमें एक शिक्षा करने के लिए दिया है कि भगवान की कृपा है इसीलिए। तो राधा गोविंद महाराज के जो भाई है वो बताते हैं कि ये जो मेरे साथ स्थिति है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं भगवान को याद कर सकता हूँ, तो ये भगवान की कृपा है। और सबको ये ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, हमें हमारी जिंदगी में जीवन में से कुछ कठिन परिस्थितियों में हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है जिससे हम भगवान को याद कर पाए, नहीं तो अगर सब अच्छा ही रहेगा तो हम भगवान को याद ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा गया था। फिर भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत मतलब बताते हैं, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम मधुसूदन विष्णु प्रभु की, हमें ना भगवान की जो कृपा है मतलब हम देखते कि हम भगवान की कृपा पे अगर हम लोग ने वह संशय किया तो ये भी एक बड़ा अपराध है, हम संशय नहीं कर सकते कि भगवान की कृपा है, हम नहीं सोच सकते हमें भगवान ने इधर ऐसा क्यों डाला, मतलब हम तो मतलब ये संशय कर रहे हो हम भगवान की कृपा को, तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड और एक श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि जो ये भौतिक प्रकृति है और जो आध्यात्मिक है उसमें अंतर यह है कि जो भौतिक जीव होते हैं वो अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, और जो आध्यात्मिक प्रकृति में जो जीव है वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। और वहाँ पे मेरा आजकल का एक मतलब मेरे को ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं कि भगवान इज इम्परफेक्ट, भगवान को ऐसा बोलते कि कमी महसूस होती है जब उनके आसपास के जीव सब नहीं रहते। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जीव है उसको प्रकृति कहा गया है, हम पुरुष नहीं है, हम प्रकृति है, बस एक ही पुरुष है वो भगवान है, हम प्रकृति है। प्रकृति मतलब पुरुष उस पर प्रबल है, जैसे कि हम देखते हैं कि इसीलिए जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ में दिखते हैं, तो हस्बैंड उसमें पुरुष हुआ और प्रकृति वाइफ हुई, बट हम उसको एक ही माना जाता है। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए जो भगवान और इतना कुछ अंतर नहीं है, बट वो एक रोल प्ले कर रहा है। एंड श्रील प्रभुपाद एंड फिर भागवतम के
ग्यारहवें स्कंद के 10th चैप्टर में यहाँ कहा गया है कि जो जो कार्य कर्म किया जाता है, जो कर्म करने वाला करता है, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा खुशी मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। बट ऐसा एक्चुअल में जब वो कार्य करता है तो वो ही इज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी ही रहता है। उसे वो कभी कभी मतलब उसे संतुष्टि मिलती है, कभी कभी थोड़ी संतुष्टि मिलती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो दुखी रहता है, बट कभी कभी संतुष्टि मिलती है। तो भागवतम में ये कहा गया है कि अगर अगर मतलब संतुष्टि ऐसा छोटी छोटी संतुष्टि क्यों होनी चाहिए, अगर आपको मालूम है आप किसी के अंडर काम ही करना है, जैसे कि हर एक जीव हम भौतिक जगत में देखते हैं वो किसी के नीचे ही काम कर रहा है। अगर एक वॉचमैन तो एक मैनेजर है तो मैनेजर का भी बड़ा मैनेजर है, मैनेजर का भी बॉस है, वो कंपनी का मालिक भी हुआ तो भी वो सरकार के अंडर रहता है, सरकार का भी हुआ तो भी वो नेताओं के इसमें बंद जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम बंदे हैं सिर्फ दूसरे जीव के इससे, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो यही मेरे पॉइंट्स है। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू गोविंद चरण प्रभु, वेरी वेरी ट्रू प्रभु। मतलब हम लोग एक्चुअली सबॉर्डिनेट है हर हर मतलब भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। लेकिन जब हम भगवान के सबॉर्डिनेट बन जाते तो एक्चुअली दैट इज अवर परफेक्शन, कि अगर हमको सबॉर्डिनेट बनना ही है तो इट्स बेटर टू बी सबॉर्डिनेट टू कृष्णा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और बी हैप्पी। थैंक यू प्रभु, वेरी वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। कृष्णा, मुझे लगता है बाकी के स्पीकर्स मेगा नहीं है, हेमंगिनी माता जी भी नहीं है और विश्वंबर भी नहीं है। तो सभी एडिशनल स्पीकर से रिक्वेस्ट है, अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो यू कैन एटलीस्ट हैंड ओवर टू समबडी। अपना चर्निंग नहीं रुकना चाहिए, इफ यू आर नॉट एबल टू डू प्लीज गिव टू समबडी एल्स। थैंक यू सूरत माधव प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था और जो चैतन्य महाप्रभु का वो जो श्रीवास ठाकुर वाला श्रीवास कैसे मतलब कितने हाई क्वालिटी के डिवोटी थे वो, एंड वेरी नाइसली ऑल्सो सेड कि हम लोग को उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग जैसे वो तीन ताली मारते हैं वैसे हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हम लोग, क्योंकि उनका लेवल अलग है हमारा लेवल अलग है। तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं भी तीन ताली मार के बैठ जाऊंगा, नहीं हुआ तो प्राण त्याग दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू एज पर अवर कर्मा वी नीड टू वर्क और अपना साधना करके अपना भक्ति सुधारना है, एंड देन व्हेन वी आर बियॉन्ड दिस मटेरियल मोड्स, जब हमारा भक्ति शुद्ध होगा तो देन वी कैन थिंक ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वालिटीज। सो थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस क्लास। हरे कृष्णा, प्रणाम।